इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जेडीयू में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के सभी एमएलए। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अब तक की सबसे बड़ी खबर। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का ये बड़ा दावा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जेडीयू में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के सभी एमएलए। सियासी हलचल के बीच गोपाल मंडल का ये बड़ा दावा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। शरद यादव का नहीं हुआ, शकुनी चौधरी का नहीं हुआ, आनंद मोहन का नहीं हुआ, प्रभुनाथ सिंह का नहीं हुआ, किसके हुआ ये, किसी का वफादार नहीं। आज आप लोग इस्तीफा भी दे सकते हैं क्या? जो हमारे नेता का निर्णय होगा, नेता का निर्णय होगा कि इस्तीफा दीजिए, तो पहला इस्तीफा विजय मंडल का होगा। हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। आप लोग नाराज हैं कि जिस तरीके से अभी सब कुछ थी? तो ये है विजय मंडल, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, और वो खुल करके नीतीश कुमार के विरोध में खड़े हो गए हैं। और इनका कहना है कि अगर आज इस्तीफा देने को कहा गया तो सबसे पहला इस्तीफा हमारा होगा, और तैयारी इस बात की है कि यहाँ से तेजस्वी जो हैं वो क्या फैसले लेते हैं, उसके साथ तमाम विधायक जो हैं वो खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी तैयारी कर रखी है आरजेडी ने। अगर ऐसा होता है तो क्या करना होगा, यानी हर इफ एंड बट पर चर्चा हो चुकी है। जी बिल्कुल, और देखिए ये खबर जो छनकर के आ रही है कि हो सकता है कि